स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल तो स्टूडेंट्स वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टाडे आई क्यू आज काफ़ी स्पेशल डे है टीचर्स डे है बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है कुछ ने इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप किया है कुछ ने टेलीग्राम पे किया है कुछ कुछ को तो मैं रिप्लाई कर पाई हूँ बट काफ़ी सारे बच्चे अभी भी हैं जिनको रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ सो थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी होल हार्टेडली आई एक्सेप्ट ईच एंड एवरी विश फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड गॉड रियली ब्लेस ऑल ऑफ यू आई हेल्प प्रे कि आप सब जो भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं आप उसे कर ले यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स मे बी आप बैंकिंग पेपर दे रहे यू पी एस सी वट एवर इज योर एम आप उसको अचीव करें हम आपके साथ हमेशा हमेशा खड़े हैं एनी टाइम ऑफ द डे वी आर अवेलेबल फॉर यू बीट एनी डाउट आप लोग जी तोड़ मेहनत करिए और पहुंचिए अपने मुकाम पर क्योंकि उससे क्या होगा सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी कि भाई ये स्टूडेंट हमारा था एंड नाउ सी द पर्सन इज सिटिंग ऑन द टॉप नॉच पोजिशन ऑफ द कंट्री सो नाउ लेट इस स्टार्ट द क्लास आज हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे छोटी सी क्लास रखेंगे uh, एक ही ये मेरी तरफ से गिफ्ट हो गया आप सबको कि भाई बहुत लंबी क्लास एक घंटे की क्लास नहीं खींचने वाले छोटा सा टॉपिक जो थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है लेकिन जिस तरीके से समझाऊंगी आई प्रॉमिस आप लोगों को समझ आ जाएगा सो द टॉपिक्स नेम इज़ रिलेशनशिप बिटवीन दी बॉन्ड प्राइसेस एंड उसके यील्ड में ठीक है ना रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे आपको क्या करना है जो बुक है हमारी इंडियन इकोनॉमी की उसमें से ये टॉपिक नहीं पढ़ना है पहले अदरवाइज़ मैं क्या कहती हूँ ये टॉपिक बुक में से पढ़ना है बट इस टाइम पहले आप जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप समझोगे उसके बाद जब आप अपना बुक में से मटेरियल पढ़ोगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सिर्फ सी पेज नंबर 189 पे 189 पे नहीं 189 पे नहीं सॉरी पेज नंबर 187 पे दे रखा है रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइज़ एंड बॉन्ड यील्ड तो वहाँ से आप पढ़ लेना पर पहले वीडियो देखना है आपको कि मैं किस तरीके से चीज़ें समझा रही हूँ आपको सो नाउ लेट स्टार्ट एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एज़ यू ऑल नो कि भाई स्टडी आई क्यू का जो लाइफ फाउंडेशन बैच है ऑलरेडी जो फिफ्थ बैच है फोर्टीन ऑफ सेप्टेम्बर को स्टार्ट होने वाला है आप में से कुछ बच्चे अभी भी एनरोल कराना चाहते हैं वो फोर्थ बैच में नहीं एनरोल करा पाए थे फॉर वट्स एवर रीज़न तो वो फिफ्थ बैच में एनरोल करा सकते हैं सीट्स अभी भी अवेलेबल है तो इस बैच में भी सीट्स फुल हो जाएँ तो उससे पहले आप एनरोल करा लीजिएगा क्योंकि देखिए जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा तो चांसेज ऑफ क्लियरिंग आउट प्रलिम्स एंड मीन्स मुश्किल होते जाएंगे क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ प्रीलिम्स को क्लियर करना नहीं है प्रीलिम्स तो आप महीने जनवरी से स्टार्ट करोगे तो भी कर जाओगे क्लियर बट प्रीलिम्स के बाद क्या प्रीलिम्स के साथ साथ हमें मेंस भी तो क्लियर करना है तभी तो इंटरव्यू में कॉल आएगा हमें तो आगे तक की प्रिपरेशन तभी हो पाएगी जब आप अभी स्टार्ट कर दोगे वी आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम तो फटाफट से मतलब इतना दिमाग मत लगाइए फटाफट से एनरोल कर लीजिए अपने आप को बैच में कोर्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो स्टडी आई क्यू डॉट कॉम स्टडी आई क्यू डॉट कॉम इज़ दी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आप जाके कोर्स के बारे में कि भाई कौन आपकी फैकल्टीज होने वाली हैं किस तरीके से लाइव आर्स कंडक्ट सॉरी लाइव क्लासेस कंडक्ट करी जाएंगी वहाँ पे इनफैक्ट एक डेमो वीडियो भी प्रेजेंट किया हुआ है उसको जाके देखिए कि किस तरीके से इंट्रैक्शन होगा टीचर का क्लास में सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू रिलेट ठीक है तो वो देख सकते हैं आप एंड वाइल्ड पेइंग दी फ़ीस आपको कोड यूज़ करना रहेगा नान की लाइव तो इस कोड को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है कि जो आपकी फ़ीस है वो स्लैश हो जाएगी वहां पे ऑप्शन आप पूरी फीस भी दे सकते हैं बट अगर आप चाहते हैं आपको डिस्काउंट मिले फीस में तो नान की लाइव इज़ दी कोड उसके बाद आपको जो फीस मिले देनी होगी दैट इज़ एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन इंस्टॉलमेंट में फ़ीस दे सकते हैं जी हाँ बिल्कुल दे सकते हो इंस्टॉलमेंट में भी फ़ीस दे सकते हो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है भाई इंस्टॉलमेंट देने के लिए कहीं पे भी ना सिर्फ स्टडी आई की बात नहीं कर रही हूँ दैट्स बेसिक बैंकिंग सेंस तो क्रेडिट कार्ड से ही इंस्टॉलमेंट दी जाती है यूजुअली सो दैट इज समथिंग मस्ट यू शुड हैव इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो अदरवाइज इतनी भी फीस नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करो डायरेक्टली वन शॉट में भी फीस पे कर सकते हो चलिए नाउ विद दिस अस स्टार्ट विद टॉपिक विच इज रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड ईल तो अभी क्या है आप लोगों ने ना बस एक रट्टा मारा हुआ है कि बॉन्ड प्राइस एंड उसके जो रिटर्न या उसकी जो यील्ड होती हैं उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है वो कैसे होता है आप लोग समझने की कोशिश करते हो लेकिन नहीं समझ पाते हो आपको कुछ नहीं सोचना है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है या इनवर्स रिलेशनशिप होता है जस्ट गो विद दी क्लास जो मैं समझाती जा रही हूँ उनको उस चीज़ को समझ लो आप अपने आप अगले दस मिनट में आप जवाब देने वाले हो मुझे कि क्या रिलेशनशिप होगा इनवर्स होगा या डायरेक्ट होगा तो उसके पहले हमें छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे क्लैरिटी ऑफ टर्म्स इज वॉट इज नीडेड तो सबसे पहला टर्म आपको क्या समझना होगा दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड अब फेस वैल्यू ऑफ दी बॉन्ड क्या होता है मान लीजिए मैं इश्यूअर ऑफ दी बॉन्ड हूँ बॉन्ड सबसे पहले क्या होता था क्विक रिविजन मुझे पैसे चाहिए बिजनेस चलाने के लिए ठीक है ना या वॉट एवर फंडिंग चाहिए मुझे ठीक है ना अब मुझे एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा क्योंकि भाई जो मुझे पैसे दे रहे हैं वो मुझसे बोलेगा तो सही ना कि क्या प्रूफ है कुछ लिखत पढ़त तो कोई रसीद बना के देनी पड़ेगी ना इफ दैट डॉक्यूमेंट शोज कि मैंने लोन लिया है उस पर्सन से तो वो कैसे होगा हाँ वॉट विल दैट बी कॉल्ड वॉट दैट विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड ठीक है ना क्योंकि बॉन्ड रिप्रेजेंट्स वॉट बॉन्ड रिप्रेजेंट्स डेट बॉन्ड रिप्रेजेंट लोन ठीक है ना तो जब मैंने डॉक्यूमेंट इशू किया ठीक है ना तो मैंने सौ मुझे सौ रुपये चाहिए थे मुझे सौ रुपये चाहिए थे या मुझे तीन सौ रुपये चाहिए थे मान लीजिए तो मैं सौ सौ रुपये वाले तीन डॉक्यूमेंट इशू कर रही हूँ ठीक है ना सौ सौ रुपये हर डॉक्यूमेंट की वैल्यू सौ रुपये तो जितने डॉक्यूमेंट दूंगी उतने उसके बदले सौ सौ रुपये मुझे वो पर्सन देता जाएगा उधार में तो मैंने अगर तीन ऐसे सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स दिए तो मुझे तीन सौ रुपये दे दी जाएंगे मतलब एक डॉक्यूमेंट की फेस वैल्यू जो मैंने डिसाइड करी थी ये ईश्वर डिसाइड करता है कि डॉक्यूमेंट की फ़ेस वैल्यू क्या होगी उसके फेस पे क्या वैल्यू लिखी है इस दी फ़ेस वैल्यू सो आई हैव डिसाइडेड द इशूअर ऑफ़ द बॉन्ड वेदर इट इज़ दी गवर्नमेंट वेदर इट इज़ दी कॉरपोरेट हाउस वेदर इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ठीक है ना जो वो डिसाइड करेंगे ठीक है ना कि क्या फेस वैल्यू होगी सो लेट अस अज्यूम लेट अस अज्यूम कि मैं इशूअर ऑफ़ द बॉन्ड हूँ मैं एंड मैंने डिसाइड किया कि द फेस वैल्यू ऑफ़ द बॉन्ड विल बी हंड्रेड रुपीज़ ठीक है ना उसके फेस पे ये लिखी है जैसे ही अगर ये ये सर्टिफिकेट किसी को चाहिए तो उस पर्सन को मुझको सौ रुपये देने होंगे और मैं उसको बदले में ये सर्टिफिकेट दे दूंगी तो ये तो हो गई फेस वैल्यू ऑफ़ द बॉन्ड ठीक है ना अब इसके साथ एक चीज़ होती है रिटर्न ऑन द बॉन्ड अब मुझे उससे मैं पैसे उधार ले रही हूँ तो मुझे उसको रिटर्न में कुछ रेट ऑफ़ इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा लोन ले रही हूँ भाई बैंक में जाती तो भी रेट ऑफ़ इंटरेस्ट तो देना पड़ता ब्याज देना पड़ता तो इस फेस वैल्यू पे हमेशा याद रखिएगा जो हम ब्याज देते हैं जो इंटरेस्ट देते हैं वो हमेशा फ़ेस वैल्यू पे देते हैं प्राइस पे नहीं देते आप कहोगे मैम ये प्राइस भी तो यही हुआ नहीं मैंने क्या बोला था जितनी मैं बात कर रही हूँ बस उसको फॉलो करते जाना है ठीक है ना तो अब आपको क्या ध्यान रखना है अभी इस चीज़ को एक बार रट्टा मार लो अभी आपको समझ भी आने वाला दस मिनट बाद फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो इंटरेस्ट मिलता है मान लीजिए मैं इस पर दे रही हूँ आठ से इंटरेस्ट मैं दे रही हूँ आठ परसेंट से इंटरेस्ट तो वो किस पे कैलकुलेट करा जाएगा फेस वैल्यू पे ठीक है ना तो एक साल बाद जब आप मुझसे पैसे वापस लेने आओगे तो मैं आपको सौ रुपये दूंगी उसके ऊपर आठ परसेंट से ब्याज भी दूंगी मतलब एक सौ आठ रुपये टोटल एट परसेंट ऑफ हंड्रेड इज एट रुपीज़ एट परसेंट ऑफ़ हंड्रेड इज एट रुपीज़ तो मैं एक साल बाद जिसने मुझे पैसे दिए थे उसको कितने पैसे वापस करने वाली हूँ सौ रुपये क्योंकि फेस वैल्यू थी और उसके ऊपर आठ परसेंट मैंने ब्याज Uh, मतलब कमिट किया था तो मैं रिटर्न दूंगी उसको आठ परसेंट ठीक है ना तो ये आठ परसेंट क्या कहलाया जाएगा दिस विल दिस विल बी कॉल्ड एज रिटर्न ऑन द बॉन्ड और ऑल्सो कॉल्ड एज कूपन रेट कूपन रेट ठीक है ना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंशन है दैट इज़ व्हाट इज कूपन रेट चलिए ठीक है ओके ये स्टोरी समझ आई अब चलते स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं ठीक है थीके? अभी तक हमने पढ़ा था फेस वैल्यू अब हम बात कर रहे हैं प्राइस क्या होता है अब हम बात करते हैं प्राइस क्या होता है सो फेस वैल्यू तो हो गई सौ रुपए क्योंकि सर्टिफिकेट पे ये लिखा था ठीक है ना अब जरूरी नहीं है जब मार्केट में ये सर्टिफिकेट बिकेगा तो ये हो सकता है सौ रुपए में बिके हो सकता है ये एक सौ पांच में बिके और हो सकता है ये नाइनटी पे बिके ठीक है ना जब ये सर्टिफिकेट जब ये इश्यू होगा तो कौन सी मार्केट में होगा प्राइमरी मनी मार्केट क्या होता था जहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए लोन एक साल से कम पर्पज के लिए फंडिंग चाहिए एक साल से ज्यादा पर्पज के लिए फंडिंग चाहिए तो क्या कौन सी मार्केट दैट इज कैपिटल मार्केट ठीक है ना फर्स्ट टाइम जब बॉन्ड इश्यू होगी तो कौन सी मार्केट में होगी प्राइमरी मार्केट में होगी चलो अभी हमें वो भी छोड़ दीजिए चलो अब अभी हम कहाँ पे थे ये डॉक्यूमेंट हुआ मतलब ये मैंने सर्टिफिकेट रिलीज़ किया सौ रुपये फेस वैल्यू है अब जब मार्केट में इसकी खरीद बेच होगी तो हो सकता है ये 105 में बिके हो सकता है 95 105 में बिकेगा तो ये क्या कहलाया जाएगा कि भैया ये प्रीमियम पे बिक रहा है भैया सौ रुपये कीमत थी लेकिन कोई इसके एक भी देने को तैयार है तो मैं क्या बोलूँगी इट इज़ इशूड एट प्रीमियम कोई कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि सौ रुपये की चीज़ की कोई नाइन्टी फाइव रुपे नाइन्टी फाइव रुपीज़ ही कीमत लगाए तब ये क्या माना जाएगा कि इट इज़ इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू डिस्काउंट टू फेस वैल्यू ठीक है लेकिन मैंने क्या बोला था लेकिन मैंने बोला था कि जो आठ परसेंट का रिटर्न है वो किस पे कैलकुलेट होगा वो हमेशा फेस वैल्यू पे होगा आठ परसेंट ऑफ हंड्रेड रुपीज एट सॉरी एट रुपीज़ ठीक है ये एट रुपीज हो गए ये था फेस वैल्यू अब जिस प्राइस पे जिस प्राइस पे मार्केट में खरीद बेच हो रही है उस डॉक्यूमेंट की दैट इज वॉट इज नोन एज प्राइज ऑफ बॉन्ड फेस वैल्यू क्या होगी हो सकता है फेस वैल्यू कैन ऑल्सो बी इक्वल टू प्राइस जब मार्केट में खरीद बेच सौ रुपए पर ही हो रही है भाई फेस वैल्यू पे अगर कोई खरीद बेच रहा है ठीक है ना विच इज ऑल्सो कॉल्ड एट पार मतलब जितना है उतने पे बिक रही है तब क्या बोला जाएगा फेस वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस प्राइज ऑफ दी बॉन्ड बट अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा पे बिक रहा है फेस वैल्यू से ज़्यादा पे बिक रही है बॉन्ड तब हम क्या बोलेंगे कि प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज वन जीरो फाइव अगर उससे कम पे बिक रही है दैट इज नाइन्टी फाइव दैट नाइन्टी फाइव इज द प्राइज वेर इज हंड्रेड इज द फेस वैल्यू ठीक है ये भी क्लियर हो गया मैंने क्या बोला था कि आठ परसेंट का रिटर्न हम कैलकुलेट करेंगे हमेशा फेस वैल्यू पे ठीक है जब हम आठ अब 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 सिचुएशन चेंज हो गई है अब सिचुएशन चेंज हो गई सिचुएशन ए पे चलते हैं ठीक है आपने बॉन्ड ली एक रुपए में एक सौ रुपए में लेकिन उस पर भी रिटर्न अभी कितना ही मिलने वाला है आपको आठ रुपए मिलने वाला है क्योंकि जो रिटर्न है वो किस पे कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है सौ पे लेकिन आपका क्या नुकसान नहीं हो गया कैसे नुकसान हो गया हमने कैसे कैलकुलेट किया था यहाँ पे रिटर्न भाई एट रुपीज़ डिवाइडेड बाई हंड्रेड इंटू द ठीक है ना ये क्या हो गई फेस वैल्यू हो गई ठीक है लेकिन अब तो हमारा डिनोमिनेटर चेंज हो गया कैसे ये एक सौ पाँच हो गया ना अब मैं देखूंगी ये आठ रुपये ऑफ दिस एक सौ पाँच इंटू हंड्रेड करूँ मैं ना वॉट डू थिंक क्या आएगा अमाउंट द अमाउंट विल कम टू सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट फिर से समझाती हूँ ठीक है एक सौ पाँच प्राइस था ठीक है ना प्राइस फेस वैल्यू नहीं आपको 105 में मिली बॉन्ड ठीक है लेकिन इस पर जो रिटर्न आएगा जो इस पर रिटर्न आएगा वो तो फेस वैल्यू मतलब आठ रुपए ही रहेगा वो तो अब कितना जनरेट हुआ हमारे को कितना एक्चुअल में अगर हम कैलकुलेट करें हमें कितना रिटर्न जनरेट हुआ एट रुपीज ठीक है डिवाइडेड बाय वन जीरो फाइव क्योंकि एक सौ पांच रुपए की बॉन्ड पड़ी तो आठ रुपए एक सौ पांच का कितना प्रतिशत होता है इट इज सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज यो दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज यि तो आठ परसेंट ही दे रही है रिटर्न तो आठ परसेंट देगी ये बॉन्ड लेकिन यील्ड कितना दे रही है यील्ड ये सिर्फ सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट दे रही है क्यों क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर चेंज हो गया है क्यों क्योंकि यील्ड किस पर कैलकुलेट होती है यील्ड इज नॉट कैल्कुलेटेड ऑन दी फेस वैल्यू प्राइस पे भाई मुझे जितने पे मिला है मुझे आज नाइनटी फाइव रुपीज़ में मिल गई बॉन्ड मुझे आज नाइन्टी फाइव रुपीज में मिल गई बॉन्ड ठीक है लेकिन मुझे अभी भी रिटर्न में तो आठ रुपए आने वाले हैं ठीक है ना क्यों क्योंकि आठ रुपए दिस एट परसेंट इज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ बॉन्ड ठीक है तो एट डिवाइडेड बाई हंड्रेड सॉरी एट डिवाइडेड बाय नाइन्टी फाइव एट डिवाइडेड बाय नाइन्टी फाइव इन टू हंड्रेड इज एट पॉइंट फोर फाइव परसेंट तो क्या हुआ जैसे ही मेरा डिनोमिनेटर कम हुआ जैसे ही मेरा डिनोमिनेटर कम हो रहा है मेरा जो यील्ड है मेरा जो यील्ड है ये होता है यील्ड ठीक है ना रिटर्न डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द बॉन्ड इन टू हंड्रेड इज माई यील्ड दैट इज वॉट इज एट पॉइंट फोर फाइव राइट तो अब मेरे को कैसे क्या समझ आ रही है अगर तो मेरा डिनोमिनेटर अगर मेरा डिनोमिनेटर जो मेरा डिनोमिनेटर क्या है प्राइज ऑफ बॉन्ड अगर तो मेरा डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो मेरा यील्ड ऑन द बॉन्ड रिटर्न नहीं रिटर्न तो आठ ही है रिटर्न विल ऑलवेज बी दी सेम मेरा यील्ड मेरे पर्स्पेक्टिव से क्योंकि मुझे बॉन्ड पड़ी थी एक सौ की तो मेरे लिए यील्ड कितना क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन जैसे ही मेरा डिनोमिनेटर रिड्यूस हो रहा है जैसे ही मेरा डिनोमिनेटर क्या डिनोमिनेटर में हम प्राइस ऑफ दी बॉन्ड ले रहे थे ठीक है ना कि मुझे कितने की पड़ी अल्टीमेटली तो जैसे ही मेरा प्राइस रिड्यूस हो रहा है तो मेरी यील्ड क्या हो रही है मेरी यील्ड इंक्रीज हो रही है यहाँ यील्ड का कैलकुलेशन कितना आया था 8.45 एक सिचुएशन और लेते हैं चलो एक सिचुएशन और लेते हैं मान लो अब मान लो कि मुझे अब बॉन्ड पड़ी नब्बे रुपये में कहीं से मैंने जुगाड़ कर लिया और ये सौ रुपये की चीज़ मैं नब्बे रुपये में खरीद लाई ठीक है लेकिन रिटर्न रिटर्न तो आठ रुपये ही आएगा नाउ लेट इज कैलकुलेट दिल्ड एट रुपीज डिवाइडेड बाई नाइन्टी एट रुपीज डिड बाई नाइन्टी इन टू हंड्रेड इज वॉट इट इज एट पॉइंट समवेयर अराउंड एट पॉइंट एट नाइन परसेंट जैसे ही मेरा प्राइज और नीचे गया जैसे ही मेरा प्राइस फेस वैल्यू तो उतनी तो तो ही रहेगी जिंदगी भर जैसे ही मेरा प्राइस जितने भी मैं खरीद पाई जितने भी मैंने जुगाड़ करके खरीद लिया उस पर कैलकुलेट करूंगी कि आठ रुपये कितना बनता है तो जब मैंने आठ रुपये ऑफ दिस प्राइस देखा तो मैंने देखा कि 8.89 पॉइंट so, एट नाइन सो इससे क्या कि जैस जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगा जैस जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगा बॉन्ड का उसकी यील्ड जो है उसकी यील्ड है बढ़ती जाएगी क्या इसमें कुछ कन्फ्यूज़न थी क्या इसमें आप लोगों ने फालतू हल्ला मचाया होता है कि मैम नहीं समझ आ रहा व्हाट इज़ दी रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड प्राइस क्या हो रहा है ये कुछ भी नहीं था सीधी सीधी बातें समझने की वो ज़रूरत थी सबसे पहले हमने बात करी थी कि फेस वैल्यू क्या होता है भैया फेस वैल्यू सर्टिफिकेट पे जो लिखा है वो और मैंने उसी टाइम बता दिया कि जो रिटर्न है जो रिटर्न है जो कूपन रेट है वो कहाँ कैलकुलेट होगा कूपन रेट कैलकुलेट होगा इस पे हमेशा ठीक है ना बॉन्ड का प्राइस क्या होता है आपको कितने में मिला अब बाजार में बाज़ार में जब आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हो वहाँ पे लिखा होता है टमाटर चालीस रुपये किलो ठीक है ज़रूरी थोड़ी आप चालीस में खरीद के लाते हो या आपकी बार्गेनिंग कैपेबिलिटीज़ पे है अब ये नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में जाके कर लोगे ये चीज़ें कि भाई बोलोगे नहीं यार चालीस का है मुझे अड़तीस में देती जस्ट आपको समझाने के लिए ठीक है ना तो मार्केट में प्याज या टमाटर मक्रे हो चालीस रुपये किलो लेकिन इट इज़ ऑन योर कैपेबिलिटी आपकी नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग पावर है आप उसको पैंतीस रुपये में ख़रीद लाए ठीक है ना तो आप तो रिटर्न उस पर देखोगे क्यों क्योंकि आपको क्या कॉस्ट पड़ी टमाटर की दैट इज आपको तो पैंतीस रुपए पड़ी तो आप रिटर्न उसी पे कैलकुलेट करोगे एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू तो बॉन्ड में फेस वैल्यू हमें समझ आ गई प्राइस जिस पे हमने परचेज किया रिटर्न हमेशा इस पे कैलकुलेट होगा ठीक है ना तो रिटर्न विल ऑलवेज बी एट रुपीज हमें क्या देखना है यील्ड क्या है यील्ड किसके रेफरेंस में देखते हैं यील्ड हमेशा हम प्राइस के रेफरेंस में देखते हैं कि हमारे पर्सपेक्टिव से हमें कितना रिटर्न मिल रहा है बॉन्ड तो आठ परसेंट से रिटर्न दे रही है बॉन्ड हमेशा आठ परसेंट से रिटर्न देगी ठीक है बट उसका यील्ड क्या है यील्ड विल डिपेंड अपॉन दी प्राइस तो यील्ड देखा कि भैया प्राइस ऊपर जा रहा था तो यील्ड नीचे आ रहा था जब 105 की लेके आई थी मैं बॉन्ड तो मुझे मेरा यील्ड कम हो गया था क्यों यू? क्योंकि यील्ड इज़ फिक्स्ड ठीक है एक रिलेशनशिप और समझने की ज़रूरत है आया समझना कुछ आई डोंट थिंक सो अब आप लोगों के लिए मुश्किल रहा होगा एक रिलेशनशिप और समझने की ज़रूरत है आपको दैट इज़ ऑफ दी इंटरेस्ट रेट्स दैट इज ऑफ दी इंटरेस्ट रेट्स एंड द बॉन्ड प्राइस बॉन्ड का प्राइस अच्छा ठीक है किसी भी चीज़ का प्राइस कब इंक्रीज़ होता है जब उसकी डिमांड बहुत लोग भाग रहे एक चीज़ के पीछे तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है सो so, प्राइस कब इंक्रीज होता है जब उसकी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है मैं इसमें तो कोई ब, वो नहीं बोल रही बहुत सारे लोग अगर मान लीजिए आईफोन थर्टीन या फोर्टीन लेना चाहते हैं जो आएगा ठीक है ना बहुत दुनिया चेज कर रही है तो डेफिनेटली जो सेलर है वो मार्जिन बढ़ा के बेचेगा उसको पता है कि एक नहीं ख़रीदेगा तो दूसरा तैयार बैठा है ख़रीदने के लिए सिंपल बात अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होगा आर वी क्लियर विद डैट एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू चलो ठीक है ये थैंक समे समझ आ गई चलो अब चलते हैं हम इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइस के रिलेशनशिप पे ठीक है अब अगर अब अगर इंटरेस्ट रेट कौन सा इंटरेस्ट रेट बैंक जो इंटरेस्ट रेट देता है बैंक जो इंटरेस्ट रेट दे रहा है अगर बैंक मान लीजिए पहले चार परसेंट इंटरेस्ट रेट दे रहा था लेकिन अब बैंक देने लग गया सात परसेंट इंटरेस्ट रेट ठीक है बैंक दे रहा है सात परसेंट इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड्स पे मान लीजिए फिक्स्ड मिल रहा है पाँच परसेंट तो आपको क्या लगता है लोग कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे पीपल विल सर्टनली वॉन्ट टू इन्वेस्ट हेयर तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट क्या जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा सेविंग अकाउंट पे जैसे ही इंटरेस्ट रेट पहले सेविंग डिपॉजिट अकाउंट पे चार परसेंट आपको रिटर्न मिलता था अब आपको मिल रहा है सात परसेंट रिटर्न तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो लोग कहाँ पैसा डिपॉजिट कराना चाहेंगे लोग सेविंग अकाउंट खोलना चाहेंगे लोग बॉन्ड की डिमांड नहीं करेंगे तो अगर जब डिमांड गिर रही है जब डिमांड है ही नहीं है डिमांड गिर रही है तो मैंने क्या बोला था प्राइस भी नीचे जाएगा क्योंकि प्राइस कब बढ़ता है जब उसकी डिमांड बढ़ रही है लोग भाग रहे हैं अब कोई भाग ही नहीं रहा मार्केट में खरी, खरीदने वाले नहीं है तो अब जो बॉन्ड है वो सस्ते में बिकेगी तो मतलब जैसे ही इंटरेस्ट रेट जैसे सेविंग डिपॉजिट जो अकाउंट्स हैं सेविंग अकाउंट्स हैं उन पर इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड नीचे आ जाता है और वो क्यों उसके पीछे का लॉजिक कि अब उसको कोई खरीदने के लिए खड़ा ही नहीं है तो जो सेलर है वो बोलेगा भैया डिस्काउंट पे ले जाओ लेकिन कोई बॉन्ड खरीद लो मुझसे तो मतलब अल्टीमेट इफेक्ट क्या है कि प्राइस ऑफ दी बॉन्ड जो है वो नीचे आ रहा है दूसरा रिलेशनशिप दूसरा अब मान लीजिए पहले आपको मिल रहा था चार इंटरेस्ट रेट अब आपको मिल रहा है सिर्फ दो ठीक है ना अगर आप अकाउंट खोल रहे हो सेविंग अकाउंट अब आपको सिर्फ दो परसेंट पर आपको रिटर्न मिल रहा है और बॉन्ड्स दे रही थी पाँच परसेंट रिटर्न तो क्या कहाँ पैसे इन्वेस्ट करोगे ऑब्वियसली मैम पाँच परसेंट मिल रहा है हम पागल थोड़ी दो परसेंट पे लगाएंगे अपना पैसा तो अब क्या हो रहा है अब हो रहा है कि भैया डिमांड बढ़ गई डिमांड बढ़ गई बहुत लोग भाग रहे हैं बॉन्ड हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए क्योंकि ये तो पाँच परसेंट रिटर्न दे रही है तो डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ प्राइस भी बढ़ गया तो क्यों पीछे इसका लॉजिक क्या था क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है इंटरेस्ट रेट है वो गिर गया था इंटरेस्ट जो रेट था वो इतना ल्यूक्रेटिव ही नहीं था तो लोगों ने सोचा क्यों बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने हैं हम तो क्या करेंगे हम तो बॉन्ड्स खरीदेंगे लोग भागे बॉन्ड्स के पीछे बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ गई डिमांड बढ़ी तो बॉन्ड का प्राइस भी बढ़ गया इज इट क्लियर नाउ था ना इजी क्या डिफिकल्ट था कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था ये चीज़ भी समझ आ गई हमको कि बॉन्ड यील्ड uh, और उसके प्राइस में क्या रिलेशनशिप इन्वर्स रिलेशनशिप होता है जितने पे ख़रीदूँगी उस पर कैलकुलेट होगा अगर कम में ख़रीदा है तो मुझे ऑब्वियसली ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ज़्यादा महंगी खरीदी है बॉन्ड तो ऑब्वियसली उस पर कम यील्ड आएगा से सिमिलरली सिमिलरली जो इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट और प्राइस uh, का इंटरेस्ट रेट और प्राइस का रिलेशनशिप है वो भी इनवर्स रिलेशनशिप है मतलब अगर एक इस डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरी डायरेक्शन में उसका प्राइस जाएगा क्यों क्योंकि कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है अब जब किताब पढ़ोगे तो अब इजीली समझ आ जाएगा आप लोगों को कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ दिस तो बस आज की हमारी क्लास इतने से ही कॉन्सेप्ट थी कल हम छोटी सी क्लास ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पर आज मुझे सिर्फ इतना ही आपको समझाना था एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो ख़त्म होने के बाद इसको अभी नहीं तो रात को सोने से पहले फास्ट फॉरवर्ड करके मतलब स्पीड बढ़ा के फिर से देख लेना ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए और ये इस तरीके से समझ लोगे ना आई कैन वाउच आप लाइफ में कभी ये चीज़ नहीं भूलोगे जब यू के पेपर क्लियर कर दोगे मतलब आपके लिए ज़रूरी है ये लॉन्ग टर्म में भी समझना सिर्फ पेपर क्लियर करने के पर्सपेक्टिव से इसको मत देखो लॉन्ग टर्म देखो जब आपको अपने पैसे सच में इन्वेस्ट करने होंगे तब आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि मैं बैंक में अकाउंट खोलूं कि वहां पे इतना परसेंट है या मैं कोई बॉन्ड uh, में इन्वेस्ट करूं तब आपको समझ आएगा अच्छा प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा यील्ड कम होगा ठीक है तो इन चीज़ों को लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से समझने की कोशिश करो दिस इज ऑल ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस जो आपको करनी पड़ेगी आपकी आपकी इतनी हैंडसम सैलरी आने वाली है है ना चलिए सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास बुक जिनको ऑर्डर करनी है कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम बुक का नाम क्या है कैसे ऑर्डर करना है तो इंडियन इकोनॉमी बाय स्टडी आई क्यू पब्लिकेशन किताब का नाम है फोर ट्वेंटी फाइव रुपीज़ की जो है वो आपकी बुक है सो दैट यू कैन ऑर्डर घर बैठे आपके पास आ जाएगी मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम इज़ दी इज दी वे वेयर यू कैन बी कनेक्टेड अब टेलीग्राम की बात करें तो इकोनॉमिक्स विद नान की इंस्टाग्राम की बात करें तो नान की अंडर स्कोर बी ट्वेंटी टू चलिए अब कल फिर से मिलते हैं हम साढ़े तीन बजे इसके आगे के टॉपिक जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को कवर करेंगे हमारी बुक में से सो टिल देन स्टेट यू नैन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर दी लव दैट यू आर शावरिंग मी on this occasion of teachers day study iq is ab yari hui affordable